हेलो स्टूडेंट, हम लोग बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर ही पढ़ रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी क्वेश्चनार मेथड। अभी तक हम लोग मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, कई मेथड्स हैं, इसलिए ये एक एक करके मेथड्स कंप्लीट हो रहे हैं। आज है क्वेश्चनार मेथड, जिसमें आप पढ़ेंगे क्वेश्चनार मेथड के बारे में। ठीक है, तो प्रश्नावली अध्ययन, ये प्रश्नावली विधि क्या है? प्रश्नावली अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों का एक संरचित समूह है, ठीक है, जिसमें सूचनाएं संकलित करने के लिए क्या होता है, वैकल्पिक प्रश्नों में कोष्ठक तथा लिखित उत्तरों के लिए खाली स्थान उपलब्ध रहता है। प्रश्नावली में वैकल्पिक प्रश्नों में कोष्ठक तथा लिखित उत्तरों में खाली स्थान उपलब्ध रहता है। इस माध्यम के द्वारा, यानी कि क्वेश्चनार मेथड में, अध्ययन विधि में, विस्तृत क्षेत्र से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। इसके लिए उत्तरदाता का शिक्षित होना आवश्यक होता है, यानी कि जो ये क्वेश्चनार मेथड हम लोग यूज करते हैं, ये पढ़े लिखे लोगों पर ही यूज किया जाता है, क्योंकि वो जो पढ़ पाए ना क्वेश्चन को, उसी के ऊपर तो हम क्वेश्चनार मेथड यूज करेंगे। जो क्वेश्चन पढ़ पाए तो उसका शिक्षित होना आवश्यक है। साथ ही जो प्रश्न है, प्रश्नों का चयन, शब्दावली, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की विषय वस्तु और प्रश्नों का क्रम आदि सभी प्रश्नावली की रचना में महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली जब हम बनाते हैं तो प्रश्न जो हम सेलेक्ट करते हैं वो ध्यान देने पड़ते हैं, प्रश्न किस प्रकार के होने चाहिए यह देखना पड़ता है, और प्रश्नों की विषय वस्तु तथा प्रश्नों का क्रम। प्रश्नों का क्रम से मतलब सरल से कठिन प्रश्न, पहले सरल क्वेश्चन फिर कठिन प्रश्न पूछे जाए। जैसे कि हर एक उसमें होता है ना, कोई भी क्विज प्रोग्राम आता है तो उसमें आप देखते हैं ना, सरल से कठिन की ओर जाते हैं। तो आदि सभी प्रश्नावली की रचना में महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है प्रश्नावली बनाते समय। ठीक है, अब क्या है प्रश्नावली के प्रकार? तो प्रश्नावली कई प्रकार की बनाई जाती है, ऐसा नहीं कि एक ही तरह की प्रश्नावली होती है। प्रश्नावली उद्देश्य के आधार पर, रचना के आधार पर, उद्देश्य यानी कि बेसिक ऑफ पर्पज, जो प्रश्नावली हम बना रहे हैं, मेरा हमारा पर्पज क्या है उसके अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है, रचना के आधार पर, आकार के आधार पर। ठीक है, अलग अलग तरह की प्रश्नावलियां बनाई जाती हैं। तो आगे देख लेते हैं हम लोग तथ्य संबंधी प्रश्नावली। ठीक है, तो तथ्य संबंधी प्रश्नावली में क्या होता है, इसमें प्रयोग किसी समूह की, जब हम प्रयोग किसी समूह की सामाजिक, जब प्रयोग किसी समूह की सामाजिक आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों का संग्रह करने के लिए किया जाता है, जब हम किसी व्यक्ति की आयु, धर्म, जाति, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, परिवार आदि के बारे में सूचनाएं एकत्र करना चाहते हैं तो इसकी रचना की जाती है, तो तथ्य संबंधी प्रश्नावली की रचना की जाती है। जैसे शिक्षा की स्थिति देखनी है, अगर हमको शिक्षा की स्थिति संबंधी अगर जानकारियां इकट्ठा करनी है तो हमें यह पता लगाना पड़ेगा व्यक्ति साक्षर है कि निरक्षर है। फिर व्यवसाय की स्थिति अगर जाननी है तो प्राइवेट नौकरी वाला है या सरकारी नौकरी वाला है। तो इस तरह की प्रश्नावली बनाई जाती है जब हम किसी व्यक्ति की आयु, धर्म, जाति, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, परिवार आदि के बारे में सूचना एकत्र करना चाहते हैं, तब हम तथ्य संबंधी प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। तो जब किसी विषय पर सूचनादाता की रुचि, यानी कि जिससे हम सूचना प्राप्त कर रहे हैं उसकी रुचि जानना चाहते हैं, उसकी राय जानना चाहते हैं, उसका मत जानना चाहते हैं, उसकी विचारधारा जानना चाहते हैं, विश्वास, दृष्टिकोण जानना चाहते हैं, तब इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार की? मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। ठीक है,
तो क्या है, जैसे कब यूज करते हैं, जैसे हम कोई सर्वेक्षण कर रहे होते हैं, जनमत संग्रह कर रहे होते हैं, विज्ञापन, टेलीविजन एवं रेडियो कार्यक्रम के बारे में लोगों का विचार जानने के लिए, तब इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण होता है। आप कौन सा अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन उसमें रखे जाते हैं। इस तरह की जब हम पूछकर जब हमें आंसर चाहिए होते हैं, तब हम मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भी प्रश्नावली अलग अलग प्रकार की बनाई जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें रचना के आधार पर हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर बनाते हैं। दो तरह के क्वेश्चनायर बनाते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। तो संरचित प्रश्नावली में क्या होता है, इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व, जैसे कोई रिसर्च हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उससे पूर्व विषय पर लोगों की राय जानने के लिए हम इस तरह के क्वेश्चनार बनाते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य, जन कल्याण की योजनाएं, लोगों के रहन सहन की दशा, आय व्यय आदि के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए संरचित प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई जन कल्याण योजना बनानी है, तो लोगों के रहन सहन की दशा क्या है, आय व्यय क्या है, बारे में सूचना एकत्र करने के लिए हम इस संरचित प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आती है असंरचित प्रश्नावली। इसमें क्या, असंरचित प्रश्नावली में पहले से प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता है, पहले से हम प्रश्न बनाकर नहीं ले जाते हैं, बल्कि उन विषयों एवं प्रसंगों का उल्लेख किया जाता है जिनके बारे में सूचनाएं संकलित करनी है। कोई एक टॉपिक लेकर जाते हैं कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, ठीक है, तब यह पथ प्रदर्शिका की तरह कार्य करती है। फिर उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या राय है इसके बारे में, तो उनसे क्वेश्चन जो निकल के आते हैं, ठीक है, हम सिर्फ उनको टॉपिक बताते हैं, डिस्कस करते हैं, तो फिर जो क्वेश्चन बनते हैं वो असंरचित प्रश्नावली होती, उन्हीं के बताए हुए जो बताते हैं उसी में से क्वेश्चन निकाल के पूछते हैं। जैसे कि इस समय जो अभी थोड़े दिनों पहले धारा 370 जो लागू हुई, तो जैसे उसके बारे में डिस्कस करना है, तो उस किसी व्यक्ति से पूछ के कि आपकी क्या राय है 370 के, फिर उसने कुछ आंसर दिया, तो उसी से उसका क्वेश्चन उठाकर उसी से उसको आंसर क्वेश्चन पूछकर आंसर प्राप्त करते हैं। पहले से क्वेश्चन बनाकर नहीं ले जाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बने हैं उनके आंसर देने। तो असंरचित यानी कि पहले से जो संरचित प्रश्न ना हो, असंरचित हो, तुरंत बनाए जाएं, ठीक है। यह पथ प्रदर्शिका की तरह कार्य करती। असंरचित प्रश्नावली में उत्तरदाता खुलकर अपने विचारों को व्यक्त करता है। इसमें ये नहीं है, बाउंडेशन होती कि आंसर एक ही तरह से बस लिमिटेड देना है, खुलकर अपने विचार अव्यक्त करता है उत्तरदाता इस तरह के क्वेश्चन के आंसर देते समय। अब आती है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर किस तरह से कितने प्रकार हैं देख लेते हैं। तो आकार के आधार पर जो क्वेश्चनार बनाते हैं उसमें बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली। तो इस प्रश्नावली में क्या होता है, इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के सामने कुछ निश्चित वैकल्पिक उत्तर लिखे होते हैं। जैसे एक कोई क्वेश्चन दिया है, उसके बाद चार ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, और उत्तरदाता को उनमें से उत्तर छांट कर लिखना होता है कि ए बी सी डी में से आपको एक टिक करना है। इस प्रकार की प्रश्नावली में उत्तर देने में सूचनादाता को सुविधा रहती है, क्योंकि उसे उनमें से ही एक चुनना होता है, ए बी सी डी में से किसी एक में टिक लगाना होता है। आप राजनीति में शिक्षा के स्तर को रखना उचित मानते हैं, तो इस तरह से उचित है या उचित नहीं है, या क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के आधार पर उचित, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग उचित या उचित नहीं, हाँ या ना, इसमें जरूरी नहीं चार ऑप्शन हो, हाँ और ना वाले भी इसी कैटेगरी में आते हैं कि आप यस या नो में टिक अगर करना है, यस में कर रहे हैं या नो में कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन में जो बंद और सीमित प्रतिबंधित प्रश्नावली कहलाती है, जिसमें चार ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक में टिक करना होता है, या हाँ या ना में टिक करना होता है, उचित
या उचित नहीं इस तरह के कोई ऑप्शन हो उनमें टिक करना होता है, वो बंद, सीमित और प्रतिबंधित प्रश्नावली कहलाएगी। इसके बाद आती है खुली। इसके बाद कौन सी आती है? खुली, असीमित व अप्रतिबंधित प्रश्नावली। तो इस प्रकार की प्रश्नावली कैसी होती है? इस प्रकार की प्रश्नावली में सूचनादाता को अपने विचारों को खुलकर प्रकट करने की स्वतंत्रता होती। इसमें ऐसा नहीं होता है कि चार ऑप्शन दिए हैं आप एक में टिक कर दो, ठीक है? इसमें विचार अपने वो खुलकर प्रकट कर सकता है। तो अप्रतिबंधित प्रश्नावली का प्रयोग व्यक्तिगत विचारों, जिसमें अपने विचार प्रकट करे खुलकर, भावनाओं, सुझाव दे सके कि जो ऑप्शन दिए उनमें से टिक नहीं करना, अपना कोई सजेशन दे सके, विषय से संबंधित प्रारंभिक सूचनाओं को संकलित करने के लिए भी किया जाता है। जैसे क्वेश्चन हो, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन पे तो लंबा ही आंसर होगा ना, अपने विचार प्रकट करेगा, तो इसके लिए कोई एक वर्ड तो लिमिटेशन है नहीं, एक लाइन हो सकती है, चार लाइन हो सकती है, कितना भी वो बता सकता है। जैसे पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी कैसी बढ़ेगी, तो वह अपनी सुझाव प्रकट करेगा ना, उचित या अनुचित, इस तरह से उचित या उचित नहीं, ऐसे या हाँ या ना में तो आंसर नहीं है, तो इसमें वो बताएगा अपने विचार या अपने सुझाव प्रकट करेगा। इस तरह की क्वेश्चन क्या कहलाते हैं? खुली, असीमित और अप्रतिबंधित, जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता आंसर देने के लिए, कितने भी लाइन का हो सकता है। अब इसके बाद आता है चित्रमय प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में क्या होता है, प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्र द्वारा प्रकट किए जाते हैं और सूचनादाता अपने उत्तर का चयन उन चित्रों में से ही करके उस पर निशान लगा देता है। चित्र दिए गए हैं और जो चित्र उसको सही लग रहा है उस पर वह निशान लगा देता है। यह जानने के लिए कि जैसे आप गांव और नगर में कहाँ रहना पसंद करेंगे, तो गांव का चित्र बना है, शहर का चित्र बना है, उसमें से एक को टिक करना होगा। इसके उत्तर को जानने के लिए गांव एवं नगर का चित्र बना दिया जाता है, ठीक है? तो उसमें आप एक में टिक कर दें तो चित्रमय प्रश्नावली हो गई। अब अगली आती है मिश्रित प्रश्नावली। इसमें क्या होता है, मिश्रित प्रश्नावली में क्या होता है, इस प्रकार की प्रश्नावली जो ऊपर वर्णित प्रश्नावली बताई है अभी, उनमें सभी प्रकार की प्रश्नावली की विशेषताएं ली होती है, मिश्रित होती है, यानी कि सभी को मिक्स करके। इसमें बंद या खुली प्रश्नावली का मिश्रण होता है। अब ऐसी प्रश्नावलियां कम और अधिक शिक्षित दोनों के लिए उपयोगी होती हैं, जो कम है या अधिक शिक्षित हैं दोनों के लिए उपयोगी होती हैं। इनके द्वारा स्पष्ट तथा सटीक उत्तर के साथ ही उत्तरदाता के स्वतंत्र विचार जानना भी संभव होता है। तो इसमें क्या होता है, सटीक उत्तर ABCD में ऑप्शन जैसे दिए हैं तो वो तो जानने के साथ ही क्या होता है, स्वतंत्र विचार भी जानना संभव है कि आपके इस बारे में क्या विचार है, क्या सुझाव है। तो ये इस तरह की प्रश्नावली मिश्रित प्रश्नावली कहलाती है। इस विधि के भी गुण और दोष भी हैं। क्वेश्चनार मेथड में कुछ गुण और दोष भी बताए गए हैं। तो गुण क्या है, प्रश्नों का स्वरूप सरल, आकर्षक, रुचिकर और सुबोध होता है। तो जो इसमें प्रश्न रखे जाते हैं वो सरल होते हैं, क्वेश्चनार विधि में आकर्षक होते हैं और रुचिकर होते हैं। दूसरा गुण क्या है, प्रश्नावली से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो विश्वसनीय और वैध होती हैं, क्योंकि विश्वसनीय इसलिए क्योंकि ये प्रश्नावली विधि को हम रिपीट भी कर सकते हैं ना, इन्हीं क्वेश्चंस को दूसरे पर भी हम अप्लाई करके पूछकर हम इसको प्रयोग को रिपीट कर सकते हैं, इसलिए ये विश्वसनीय और वैध होती है। अब क्या, प्रश्नावली के प्रश्नों का निर्माण करते समय रुचि, पसंद, संवेगात्मक अनुभूतियां व स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाता है। प्रश्नावली विधि प्रश्न ऐसे ही नहीं बनाए जाते, इनका निर्माण करते समय रुचि, पसंद और संवेगात्मक अनुभूतियों का ध्यान दिया जाता है। इसमें और क्या सावधानी बरती जाती है, भ्रामक, कठिन, अव्यवहारिक तथा दो अर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जैसे इस विधि में कुछ गुण है और दोष भी है, हर विधि की तरह इसमें भी कुछ दोष पाए जाते हैं। तो इसमें दोष क्या है, प्रश्नावली का उपयोग छोटी छोटी समस्याओं की जानकारी के लिए ही किया जा सकता है, यानी कि प्रश्नावली का उपयोग बड़ी समस्याओं की जानकारी के लिए नहीं कर सकते हैं हम, छोटी समस्याओं की जानकारी के लिए ही कर सकते हैं।
इस विधि का प्रयोग अशिक्षित लोगों पर नहीं किया जा सकता। अब यानी कि इसमें शिक्षित लोगों की आवश्यकता होती, तो अशिक्षित लोगों पर प्रयोग तो नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि प्रश्नावली में लिख पढ़ना पड़ता है और आंसर भी लिख कर देना पड़ता है। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि अशिक्षित लोगों पर नहीं किया जा सकता। और क्या है, उत्तरदाता जो है वह प्रश्नावली भरने में अरुचि प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न जो उत्तरदाता हैं वो प्रश्नावली भरने में इंटरेस्ट ही नहीं है उनका कोई, उनसे अगर कह रहे हैं कि आप इस प्रश्नावली में आंसर दीजिए तो उनकी कोई रुचि नहीं है, और जब रुचि नहीं है तो वो जो आंसर हैं यूं ही टिक मारते हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिलेंगे वो सही नहीं होंगे। इस तरह से यह भी इसका एक दोष है। बहुत से सूचनादाता क्या होता है, प्रश्नावली के समय से भरकर ही नहीं देते हैं, जैसे टाइम पे भरकर नहीं दी वो, या खो देते हैं, उनको दिया कि यह प्रश्नावली आप फिल करके दे दीजिए तो वो प्रश्नावली कह देंगे खो गई और टाइम से भरकर ही नहीं देंगे। तो यह भी एक तरह का दोष है कि उनको क्वेश्चनार दे दिया गया कि आप इसको भरकर दे दीजिए तो वो नहीं भर कर देंगे, इस पे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो इस तरह से इस विधि के ये दोष भी हैं।